गोपालगंज में भगदड़ के बाद हुई मौत पर स्थानीय एसपी और डीएम पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। यह भगदड़ क्यों हुई, कैसे हुआ और किसकी हुई मौत, इस पूरे मामले पर गोपालगंज के डीएम ने क्या कहा, आप भी सुनिए। लेकिन इस भगदड़ के बाद अस्पताल में भीड़ देखने को मिल रही है, कई लोग घायल हैं और ये भगदड़ सुरक्षा व्यवस्था पे सवाल खड़े करते हैं कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था क्या कर रही थी। इन सारे मामलों पर डीएम ने क्या कहा, आप भी सुनिए और देखिए कैसे हुई भगदड़। दुर्गा नवमी है और शहर में कई पंडाल बने हुए हैं और जगह जगह पे काफी भीड़ होने के कारण से एक बच्चा भीड़ में गिर गया, उसको बचाने के क्रम में दो महिलाएं उसको बचाने के लिए प्रयास की, उसमें वो दब गई, सांस लेने में तकलीफ हुआ। उसके बाद अस्पताल में आने के बाद उनको अस्पताल में आने तक उनका देहांत हो गया है। सभी लोग मौके पर मौजूद थे और अस्पताल ने बचाने का भी पूरा प्रयास किया है, जो कि डॉक्टर बता रहे थे, और दूरी भी मात्र 200 मीटर की दूरी पर थी। तो उसके बाद से सभी लोग सतर्क हैं हम लोग, और स्थिति को हम लोग नियंत्रण में रखे हुए हैं। भीड़ को हम लोग बाहर इवैक्यूएट कर रहे हैं और वर्तमान में स्थिति सामान्य है। स्थिति सामान्य वर्तमान में स्थिति सामान्य